हारिस, आपको इस रिश्ते से मना करना चाहिए था। क्यों? सोचने की कोशिश करें हारिस, ये रिश्ता हुरम की तरफ से आया है। अगर अमीरा का रिश्ता हुरम की वजह से एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगा तो इस घर में कितनी अहमियत बढ़ जाएगी उसकी। सबके सामने नंबर बढ़ जाएंगे। सोफिया, तुम्हें वाकई लगता है कि बस हुरम से मुकाबले की वजह से मैं अपनी बहन के लिए आया हुआ इतना बेहतरीन रिश्ता ठुकरा दूंगा? अमीरा की जिंदगी का फैसला है, वो मुझे जेन्युइनली लगता है कि अनस एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इनफैक्ट मेरी बहन के लिए वो एक बेहतरीन इंतखाब होगा। मेरी बात पर गौर करें, समझने की कोशिश करें ठंडे दिमाग से। ये जो इतना सब कुछ आपने किया है ना, सब कुछ पानी में बह जाएगा। बोल, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हारिस गजलबाज के। कि उसको कौन सा कदम कब उठाना है पूछने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े हारिस, या फॉर दैट मैटर किसी के भी मशवरे की। सो तुम प्लीज अपने ये छोटे मोटे ख्यालात अपने पास रखा कर। और उन बातों पे ध्यान दो ना जो मैं कहता हूं। क्या कहा था तुमसे बेचीज के बारे में? क्या कहा था? ये क्या डाला है तुम? ऐसा लग रहा है अपने दादाबू के बिस्तर पे सोने वाला हूं। मैं आ रहा हूं, तब तक ये प्लीज बेडशीट चेंज करो, बदलो इसे। देखो सोफिया, तुम मेरी बीवी, इस घर की बहू, काफी कुछ है तुम्हारे पास चेरिश करने के लिए, खुश होने के लिए, उसे एंजॉय कर। और अगर तुम्हें इससे ज्यादा की लालच है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को ग्रूम करो, इस काबिल बनाओ कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जा पाऊं। तो क्यों की थी मुझसे शादी? अगर मैं जाहिल थी और आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचती थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तरस आ गया था तुम, इसलिए कर ली।